शायद वो दिन उनका नहीं था। शायद बल्ले बाजों ने बोर्ड पर उतने रन नहीं लगे, 137 रन थे पाकिस्तान के, लेकिन गेंदबाजों ने जो जबरदस्त लड़ाई की, एंड में इंग्लैंड की 5 विकेटें भी गिरी, लेकिन बेन स्टोक्स ने ना मौके पर आकर वो मैच जिताने वाले रन बना दिए। 50 रन बनाए बेन स्टोक्स ने, हालांकि मोइन अली आउट हो गए थे, लेकिन 5 विकेट से इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया। शायद पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात होगी, एक वक्त पर 11 ओवरों में उनके 84 रन थे, 2 ही विकेटें गिरी हुई थी, जहां पर 160 170 शायद उनको ये वर्ल्ड कप दिला देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेंदबाजों ने आकर जरूर इंग्लैंड को बैक फुट पर रखा, लेकिन एंड में बेन स्टोक्स जो 3-4 बार रन आउट होते बचे हैं, 2-3 उनके हाफ चांसेस इधर उधर गिरे, इसमें शायद उनके साथ इंग्लैंड अब T20 का भी चैंपियन बन गया। कुछ फैंस जाहिर तौर पर मेरे साथ हैं और कुछ और जो ऐसे हैं वो निकलेंगे, लेकिन I'm sure, जिस तरह एडिलेड में हम, शायद वो दिन उनका नहीं था, शायद बल्ले बाजों ने बोर्ड पर उतने रन नहीं लगे, 137 रन थे पाकिस्तान के, लेकिन गेंदबाजों ने जो जबरदस्त लड़ाई की, एंड में इंग्लैंड की 5 विकेटें भी गिरी, लेकिन बेन स्टोक्स ने ना मौके पर आकर वो मैच जिताने वाले रन बना दिए। 50 रन बनाए बेन स्टोक्स ने, हालांकि मोइन अली आउट हो गए थे, लेकिन 5 विकेट से इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया। शायद पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात होगी, एक वक्त पर 11 ओवरों में उनके 84 रन थे, 2 ही विकेटें गिरी हुई थी, जहां पर 160 170 शायद उनको ये वर्ल्ड कप दिला देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेंदबाजों ने आकर जरूर इंग्लैंड को बैक फुट पर रखा, लेकिन एंड में बेन स्टोक्स जो 3-4 बार रन आउट होते बचे हैं, 2-3 उनके हाफ चांसेस इधर उधर गिरे, इसमें शायद उनके साथ। इंग्लैंड ना सिर्फ 50-50 2019 का वर्ल्ड चैंपियन है, साथ ही साथ इंग्लैंड अब T20 का भी चैंपियन बन गया। कुछ फैंस जाहिर तौर पर मेरे साथ हैं और कुछ और जो ऐसे हैं वो निकलेंगे, लेकिन I'm sure, जिस तरह एडिलेड में हम लोग मायूस थे सेमीफाइनल में हारने से, ये लोग भी मायूस होंगे। वर्ल्ड कप जीतने का सपना जब आप उसके इतने करीब आ जाएं, जब इतने करीब आ जाएं, तो दिल तो टूटता ही है। क्यों सर, असल में ये है कि स्कोर हमें पता है थोड़ा था, लेकिन स्टार्ट जैसे हुआ थोड़ा सा, शुरू में भी थोड़ा था स्कोर, लेकिन एंड अच्छा नहीं किया पाकिस्तान ने। जैसे आप बता रहे हैं 11 ओवर में 84 स्कोर था, वहां पे भी विकेटें 2 आउट थे, वहां पे हमारे 2 आउट थे, 8 विकेटें हाथ में थी, तो जो एंड वाले हैं उन्होंने अपना काम नहीं किया। बॉलर हमें पता है, हमारे बॉलर अच्छे हैं, उन्होंने हमेशा फाइट करना है। आपने 138 किया, आप सिर्फ 38 भी करते, उन्होंने लड़ना था। मसला हमारी बैटिंग का है, और इंग्लैंड ने टॉस जीत के हमें फेवर दिया, आप इस बात को जानते होंगे। यहाँ पे बैटिंग पहले अगर 160 रन ये लगा देते, 160 जीते वाले रन, 160 रन ये लगा देते, इंग्लैंड कभी भी मैच नहीं जीता। बस ठीक है, एट द एंड एक टीम में जीतना होता है, लेकिन चले कोई नहीं, हिसाब बराबर हो गया, आप भी चैंपियन नहीं बने, हम भी नहीं बने। जहाँ पे हम बैठे हुए थे ये सही कह रहे हैं, तकरीबन 80% इंडियन जो थे वो नेचुरली दिल से भी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे थे, 20% पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। उसकी वजह थी, उन्होंने पाकिस्तान पे पैसा लगाया हुआ था। अगर पाकिस्तान के 15-20 रन और होते तो पाकिस्तान इस मैच को जीत सकता था। वी वर जस्ट शॉर्ट ऑफ 15-20 रन, मतलब पावर प्ले में पाकिस्तान ने उतना अच्छा नहीं खेला जितना उनको खेलना चाहिए था, बट बॉलर्स ने अपना काम बहुत अच्छा करा और मैच को एंड तक लेके गए और बहुत अच्छा बना के रखा मुकाबला। जी सर, यस, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ यार। अरे वो तो ठीक है, मैच का तो वो यार, वो शहनशाह अफरीदी वाला जो है ना, वो थोड़ा सा ब्लोबैक हो गया है, लेकिन हमारे माशाल्लाह फाइट की है यार, फाइट की है लड़कों ने यार, एंड तक खेले हैं यार, उन्होंने 137 का टारगेट देके उन्होंने उसको भी रोका है यार, बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह मतलब ठीक है, हम अपनी टीम को बैक करते हैं और वो ठीक है, वो थोड़ा बहुत आगे शाहीन का वो जो कैच था ना, वो महंगा पड़ गया, वो ना तो 100 ऊपर जा, अगर शाहीन ना जाते तो ये मैच लास्ट ओवर बड़ा, बिल्कुल आपके सामने है जैसे जा रहा है। इंग्लैंड का स्टार्ट अच्छा था,
हकीकत ये है, जो मर्जी आप कह लीजिए, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह इंग्लैंड ने T20 यार किंग कोहली है और बाबर 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 है सेकंड पर है, कोहली कोहली ये देखिए यार यार ये मेरे साथ आइए नंद भाई, इंडिया की बैटिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग, वर्ल्ड कप हमारा।